हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ इंस्टेंट भटूरे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे भी चाहें आप तुरंत तैयार कर सकते हैं इंस्टेंट भटूरा। इसके लिए मैंने मैदा लिया है। मैदे में मैं सबसे पहले डालूंगी थोड़ा सा मीठा सोडा, लगभग 1/4 टीस्पून, साथ ही साथ थोड़ा नमक स्वाद के लिए। इसके अलावा मैंने लिया है ये सोडे की बॉटल। ये बिस्लेरी सोडा की बॉटल आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। आप इससे बस आटे को हमें गूंद लेना है। पहले हम नमक और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, फिर सोडा डालकर सोडे से ही हमें भटूरे का आटा गूंदना है। यहाँ पे मैंने भटूरे का आटा गूंद लिया है, इसे बस थोड़ा और चिकना करने की जरूरत है। इसे 1 किलो मैदे में ये पूरी सोडा वाटर की बॉटल लग गई है, लगभग 2 चम्मच इसमें बचे हैं। अब मैं इसमें थोड़ा तेल डालकर आटे को चिकना कर लेती हूँ। इसे ज्यादा देर रखने की जरूरत नहीं, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट या 10 मिनट आप रख सकते हैं इस आटे को। जब भी आपको जरूरत हो आप तुरंत गूंथें आटा और तुरंत ही भटूरे बना लें। बहुत ही अच्छे भटूरे बनते हैं इस आटे के। आटा तैयार हो चुका है, ये मैंने मुलायम आटा गूंदा है, आप देख सकते हैं भटूरे का आटा एकदम मुलायम है। अब मैं इसे भटूरा बनाने की तैयारी करती हूँ। आटे से मैं एक बड़ी लोई तोड़ लेती हूँ भटूरे के लिए। इसे चिकना करके सूखे आटे की मदद से भटूरा बेल लेंगे। भटूरे को थोड़ा बड़ा ही बेले, अक्सर बड़े भटूरे ही अच्छे लगते हैं रेस्टोरेंट की तरह। भटूरा मैंने बेल कर तैयार कर लिया है, साथ ही साथ तेल भी गर्म होने रख दिया था। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें भटूरा डालती हूँ। इसे दबा दबा कर लेते हैं। भटूरा बहुत अच्छे से फूल भी रहा है, आप देखिए इंस्टेंट भटूरा काफी अच्छा दिख रहा है। इसे आप जब चाहें बनाकर खा सकते हैं। भटूरा तलकर तैयार हो चुका है, इसे मैं टिश्यू पेपर पर निकाल लेती हूँ। साथ ही साथ हम दूसरा भी भटूरा तल लेते हैं। भटूरा तलकर तैयार हो चुका है, इसी तरह हम अपने सारे भटूरे बना लेंगे। इस भटूरे को छोले के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती हो तो मेरी पिक पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।